Hello everyone, welcome to the Great Vegan Business Expo, an amazing initiative by the Team Compassion magazine. In today's fitness panel discussion, we have two amazing athletes, both from Mumbai. One of them is a coach and one of them trains under the coach, and both of them are amazing athletes. The coach's name is Gunjan Sharma. Gunjan is one of the top fitness stars of India. He has done everything from martial arts to gymnastics to calisthenics to free running to parkour to yoga. You name the sport and he has done that sport. And today he's an amazing fitness trainer who trains people in terms of their fitness journeys, in terms of their nutrition journeys. And one cool thing about Gunjan is that he's also a Bollywood stunt actor. He's played as a double for Shah Rukh Khan, Salman Khan, and in the recently released series on Amazon Prime, Mirzapur. He's also a part of that. So he's like this amazing vegan athlete. And then next up, we have Sudipta Mandal. She is also an amazing vegan athlete. She trains under Gunjan Sharma, and she is also into yoga, into calisthenics, into parkour, into some amazing stuff. She's also on her nutrition journey, on her vegan journey, on her fitness journey. And both of them are going to discuss about what kind of training they do, what kind of diet they follow, and sort of some problems that they have seen in their clients, and how veganism has helped address those issues in their own lives as well as in their clients' lives. So we are going to learn a lot more about their journey, a lot more about fitness, a lot more about nutrition. So let's start. तो आज हमारे साथ है गुंजन शर्मा, और मैं गुंजन शर्मा के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि वो एक फिटनेस कोच है, वो एक फिटनेस ट्रेनर है, और वो खुद भी एक बहुत ही इंडिया के पॉसिबली टॉप एथलीट में से भी एक है, और पिछले 5 साल से वो वीगन है. तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे. तो गुंजन सर, आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपने अपना फिटनेस जर्नी कैसे शुरू किया, और मतलब आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में कि आप कैसे आए इस जर्नी में और आपने क्या क्या किया है लास्ट. मुझे जब तक पता है कि आप लास्ट 20 साल से फिटनेस में हो, तो अगर आपके बारे में थोड़ा बताएंगे तो हमारे ऑडियंस के लिए. मैं ऑडियंस का ही एक छोटा सा पार्ट था. जैसे लोग अभी सोचते हैं फिटनेस जर्नी मुझे स्टार्ट करना है, एक टाइम था 2000 की बात है जब मैंने सोचा और इस जर्नी को 20 इयर्स जिया और आज मैं यहाँ हूँ. सो बेसिकली मेरा जर्नी रहा कि मैं भी बनना चाहता था कुछ लाइफ में, और फिटनेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था क्योंकि फ्रंट फ्लिप, कूदना फांदना, ये सब मुझे बहुत पसंद था. तो मैंने सोचा कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ, और काफी जगह से, यानी यू नो, जब आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है और आप यू नो आपको खुद ट्रायल एंड एरर करना होता है, तो इसी तरह से करते करते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घर में सिखाया गया था कि अच्छा दोस्त बनाना, अच्छा बात सीखना, और यही है वीगनिज्म का मेन जड़, अच्छा बात सीखना. अगर अच्छी बात है कि खाना अच्छा खाना चाहिए, तो मैं खाना खराब क्यों खाऊंगा. ये घर से मिला मुझे कि अच्छा बात सीखना, अच्छा आदमी बनना, दूसरों का हेल्प करना, और अच्छा काम करना. तो जर्नी में रहा, जर्नी स्टार्ट किया, और मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट बना, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट बना, और एथलीट रहा, रनर रहा, और फिर जिमनास्ट रहा, कैलिस्थेनिक्स किया, पार्कोर किया, और योगा में 20 ईयर से कर रहा हूँ. तो फिटनेस बैकग्राउंड मेरा ये है, इसी के वजह से मैं बॉलीवुड स्टार के साथ, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार सब के साथ मूवीज किया, टीवीसी किया, काफी सारे टीवीसी किया, काम किया. इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं 2014 में हैंडस्टैंड किया था 80 फुट टावर पे, और हाँ, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में हुआ था. उसके बाद 2018 में भी मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में कुछ काम किए थे, स्वेबोल एक्ट पेंडुलम के तरह, बहुत इंटरेस्टिंग था. तो ये मेरा बैकग्राउंड है.
awesome, तो ऑलमोस्ट सर एज इफ आप यू नो कभी कभी बोलते हैं कि मास्टर ऑफ यू नो वन ट्रेड होते हैं, पर सर और काफी लोग बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, बट सर आपके केस में तो ऐसा है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड भी हो गया है, मतलब हर सॉर्ट ऑफ फील्ड में जाके एक यू नो वो एक्सीलेंस वाली बात की आपने. तो सर मुझे ये भी बताया क्योंकि मैंने आपके अंडर ट्रेन किया है काफी टाइम, तो सर मुझे पता है कि आपकी इनिशियल पार्ट ऑफ जर्नी मतलब जो आपके पहले 15 साल की फिटनेस जर्नी थी उसमें पहले आप नॉन वेजिटेरियन रह चुके हो जिसमें आप मीट खाते थे, आई एम अज्यूमिंग आप अंडा भी खाते थे, मतलब आप सब जो भी नॉन वेजिटेरियन वर्ल्ड का था सब खाते थे. फिर आई थिंक आप थोड़े टाइम के लिए आप वेजिटेरियन बने प्रॉबेबली, और उसके बाद आपने 4 या 5 साल पहले डिसाइड किया कि आप वीगन बनोगे. तो सर पहले मुझे ये जानना है कि आपने क्यों डिसाइड किया कि मीट खाना बंद करना चाहिए और अंडा खाना बंद करना चाहिए. आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि मम्मी डैडी ने सिखाया कि अच्छी बात करनी चाहिए, जैसे अच्छा खाना खाना चाहिए, और उससे आपका वीगनिज्म का माइंडसेट आया, बट वो एग्जैक्ट जर्नी एग्जैक्ट ट्रांजिशन कैसे हुआ और क्यों किया, मतलब क्या भावना थी उसके पीछे, क्या लॉजिक था उसके पीछे? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड योगा से है, पहले मैं योगा सीखता था, उसके साथ ही मार्शल आर्ट्स जिम्नास्टिक सब कुछ स्टार्ट किया. लेकिन योगा जो है इंडिया का एक सभ्यता है, संस्कृति है, हम ऐसे बैठते हैं ऐसे खाते हैं, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से और हमने सीखा योगा का, काफी सारे बुक्स भी पढ़ा, तो उसमें योग का बोला जाए तो काफी सारे बुक्स पढ़ा और देखा समझा कि शांति अगर लाइफ में चाहिए, क्योंकि मेरे डैडी जो है डैड हैं वो ये बात करते हैं, गुंजन तुम बहुत कुछ कर लो लाइफ में, अगर तुम्हारे लाइफ में शांति नहीं है तो तुम्हारा लाइफ बेकार है. ये बात मुझे डैड से मिला और योगा वाले बुक से और काफी सारे योगी से मैंने सीखा जाना समझा कि शांति अगर आपको चाहिए तो सात्विक खाना जरूरी है. सात्विक खाना से ही शांति आ सकती है. बट सर व्हाट इज सात्विक खाना सर? सात्विक खाना मतलब सादा खाना जिसमें कि मांस मछली नहीं हो, जिसमें कि तामसिक टाइप का नहीं हो, जैसे कि दूध दही को भी अवॉइड करने के लिए मतलब बोला जाता है. लेकिन मेरा जो ऐसे मेरा जर्नी नहीं हुआ स्टार्ट की वीगन बनना है वीगन बन जाओ, नो, मेरा जर्नी में मैंने खुद फील किया और जब मैं वीगन बन गया तब मुझे पता चला अच्छा वीगन इसी चीज को बोलते हैं. जैसे लोग अभी क्या करते हैं कि लोग को एप्स चाहिए, हाँ. तो बोलते हैं कि मुझसे क्वेश्चन पूछे, कुछ लोग पूछा कि अच्छा सर आपको एप्स कब मिला, कब देखा आपने कि मुझे एप्स है, तो मैंने सोचा कि जब लोगों ने एप्स बोलना स्टार्ट किया मैंने टी शर्ट हटा के देखा तो एप्स था. तो वीगन बनने का पर्पस मेरा मतलब उस तरह का सात्विक खाने का पर्पस था कि शांति, क्योंकि लाइफ में अगर शांति नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं है तो बेकार लाइफ है. तो इस वजह से मैंने खाने पे चेंज किया, खाने को चेंज किया, क्योंकि मैं टीचर से सीखा था अच्छा बात सीखो अच्छी आदत सीखो, तो जैसे जैसे मैं सुनते गया अच्छी अच्छी बातें अच्छे लोगों के संगति में रहा तो मैंने वो उसके बारे में जानना स्टार्ट किया. और उसके बाद कुछ उस ड्यूरेशन में कुछ काफी सारे डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा और डॉक्यूमेंट्री जब देखा तो मुझे लगा ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है. अब दुनिया वो कृष्ण भगवान जैसे के टाइम में जो थे वो नहीं रहे, अब दुनिया अलग हो गया, टोटली अलग हो गया. अब आदमी को भी मतलब कैसा हो गया, लोग क्या क्या कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्री में हम काफी कुछ अवेलेबल हुआ. और फिर हमें मैंने देखा कि अगर योगा में भी यही बोला जाता सात्विक खाना, और जब मैं खाता हूँ महसूस करता हूँ बहुत अच्छा फील होता है, और एज ए एथलीट मैं घंटों घंटों प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मैं खेलता हूँ, और जब खेलता हूं तो 4 घंटे ऐसे बीत जाता पता भी नहीं चलता है. ऐसे एथलीट रह चुका हूं और जो अकेले, मुझे ऐसा जरूरी नहीं था कि किसी के साथ ही करना है, मैं अकेले प्रैक्टिस करता था, ऐसा भी था और ग्रुप में भी करता था. तो मुझे अच्छा फील हुआ जब मैंने, इससे मुझे एनर्जी कम कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि खाने में लोग क्या होता है पता है, लोग को चाहिए कि एक बार आप बोलिए कि वीगन बन जाओ तो वो सोचते हैं कि एक बार वीगन बन गया तो सब कुछ सही हो जाएगा. आप जब एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, रनिंग करना स्टार्ट करते हो, एक सिंपल एक्सरसाइज,
तो अगर आपने फर्स्ट डे एक घंटे रनिंग कर लिया तो आपका काफ में दर्द होगा ही, राइट। तो आपको ये भी समझना पड़ता है कि रनिंग मुझे पहले 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, धीरे धीरे करना है, राइट। और जब एक सप्ताह के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाना है और तब मेरा नॉर्मल रहेगा। यानी कि रनिंग का लाइफ एक एक्सरसाइज, सिर्फ रनिंग, उसको भी करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, राइट, कैसे मैं जर्नी जीऊंगा। Right. उसी तरह से खाने का इतना हैबिट पूरा तरह से आपका चेंज है और right. आप चेंज करोगे और आप सोचते हो कि सल्यूशन बताओ एक लाइन में right. कैसे होगा right. नहीं। सो नेसेसरी है कि जब आप इसके बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक एक स्टेप आगे बढ़े और जब बढ़ेंगे आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे मैं बहुत लाइफ में कंटेंट फील किया, शांति मुझे मिली, मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ लाइफ से और कितना अच्छा लगता। सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं, मेरे थ्रू किसी की हत्या तो नहीं होती है, राइट right. किसी की हत्या करके मैं मतलब कैसा फील करूंगा सोचो, राइट right. अगर एक मुर्गा, मुर्गा का मांस मैं खाना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा और मुर्गा मेरे सामने काटेगा और मुझे देगा, राइट right. नो नो नो, मतलब ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। किसी की हत्या करके मैं सोचूं कि मैं बहुत पौष्टिक वो बन जाऊं, बहुत right. कमाल का बन जाऊं, राइट right. Right. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि गांव में लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, गांव में लोग ना एक दुर्गा पूजा होता है ना तब मीट खाता है, राइट right. एक मुश्किल से मीट खाता है, उतना पैसे नहीं होते हैं कि लोग ना हर एक दिन या हर एक सप्ताह मीट खाता है, correct. नाम का एक सब साल में 2-3 बार खा लिया तो काफी है, correct. ऐसा correct. होता है। और वहां के लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और सबसे ज्यादा काम करते हैं, पूरे दिन खेती में होते हैं और कभी कंप्लेन भी नहीं करते। और सिटी में तो लोगों को एक छींक आ गया और सब डॉक्टर के पास पहुंच के दवाई ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, तो राइट, गुड पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ खाना जो है ना, बेसिक खाना बेस्ट खाना है। और उसका मैं एग्जांपल हूं क्योंकि मैं 5 साल से कर रहा हूं और मेरा फिजिकल एबिलिटी जो पहले था उससे कई गुना ज्यादा अब है। वो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सर तो वही पॉइंट पे सर मुझे आपको पूछना था कि काफी लोग, लाइक मैं तो पूरी लाइफ मैं वेजिटेरियन रह चुका हूँ और फिर 18 साल पहले मैं वीगन बना, तो कभी कभी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते ना कि मैं मीट खाना छोड़ के मैं भी वीगन बनना चाहता हूँ, तो मुझे लगता ना कि मेरे पास मेरा खुद का एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए क्योंकि मैंने कभी उनकी जर्नी नहीं जी है। बट आप मीट खाते थे और आप वीगन बने, तो आपने अपने परफॉर्मेंस में कोई कमी देखी, नंबर वन, आपके डाइट में आपको लगता है कोई न्यूट्रिशन की कमी है, नंबर टू, ऑन द अदर साइड आपके डाइट से आपको क्या पॉजिटिव लग रहा है? तो अगर आप हमारे जो मेनली ऑडियंस है जो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है और वो वीगन बनना चाहते हैं, तो अगर आप उनको थोड़ा एडवाइस कर सको या उनको अपनी जर्नी शेयर कर सको, तो लाइक अगर उनको बनना है तो उनके भी हमने, हाँ देखो गुंजन सर ने ऐसे किया, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, तो अगर आप अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस उस वे में शेयर करें कि आपने कोई कुछ इश्यूज देखे या पॉजिटिव साइड पे आपने क्या देखा। ओके, पहले तो ये सभी को जानना जरूरी है कि गांव के लोग जो है ना, आप गांव के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं और वो सारे लोग के लिए मैसेज आपके गांव के आदमी है, क्या गांव के लोग क्या खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखो और वो सबसे मजबूत होते हैं। मैं गांव में पैदा हुआ हूँ इसीलिए मैं इतना ज्यादा मजबूत हूँ और अभी मैं क्या करता हूँ, बेयर फीट वॉक करता हूँ, लाइफस्टाइल सही करता हूँ, छोटे छोटे चीज, नेचर से कनेक्टेड रहता हूँ, ऐसा नहीं कि घर में ही बंद हो। तो घर में ही बंद हूं ऐसा नहीं रखता हूं। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में शांति हो, आपका स्वास्थ्य जो है हेल्थ अच्छा रहे हमेशा, तो आपको वीगन खाने के तरफ अट्रैक्ट होना पड़ेगा, वीगन फूड के तरफ आपको जाना जरूरी है। इसका कारण यह है कि मीट में सबसे ज्यादा टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन, और जितना ज्यादा आप टॉक्सिन लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, साइंटिफिक वे में भी बोला जाता है और आप नॉर्मल वे में भी, क्योंकि मैं आपको मेडिकल साइंस का कुछ नया अच्छा अच्छा वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, समझ में नहीं आएगा ना किसी को समझ में आएगा। सिंपल लाइन में है कि टॉक्सिन जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा आपके बॉडी को नुकसान होगा, और टॉक्सिन जो होता है मीट में बहुत ज्यादा टॉक्सिन होता है,
सिंपल, ये आप जानते हैं, और इसीलिए उस तरह जिसमें ज्यादा टॉक्सिन होगा वो आपके बॉडी को हार्म ही करेगा, वो एसिडिक होता है, वो ज्यादातर हार्म करता है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, सबका जड़ जो है वो खाना है। और सॉरी, अगर आप वीगन बन जाते हैं ये सारे चीज से दूर हो जाएंगे। राइट राइट, यानी कि वन मोर थिंग, ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। राइट right. कॉन्स्टिप, और वो किसी से बात नहीं करते, ना तो मम्मी से, ना तो सिस्टर से, ना तो डैड से, वो छुपा के रखते हैं। राइट right. प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है बस, और वो जिन मतलब सालों साल तक उसके साथ जीते हैं। और उसका कारण सिर्फ है, अगर आप वीगन फूड की तरफ ट्रांसफर होते हो तो 15 दिन में आप फील करोगे, ओह माय गॉड, सुबह जाता हूं बहुत फ्रेश फील करता हूं। सर, क्योंकि ज्यादा वेजिटेबल खाएंगे, ज्यादा फ्रूट खाएंगे, होल ग्रेन्स खाएंगे, नट्स और सीड्स, सब में फाइबर है, सब में सब डाइजेशन के लिए भी बहुत इजी है, स्टमक पे भी बहुत लाइट होता है, तो अच्छा ही चलता है आपका बॉडी एकदम। और एक बात, लोग कहते हैं वीगन भी सिंपल, सिंपल फूल क्या है, मॉर्निंग में हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, खाली पेट फ्रूट्स खाना चाहिए, उसके बाद लंच में चावल दाल सब्जी, इसके साथ नट्स का जो पेस्ट होता है वो नट्स मिला सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा हो, ग्रेन हो जैसे चावल दाल होता है, उसके साथ जैसे आप नट्स, नट्स का पेस्ट मिला करके आप वेजिटेबल्स में मिला सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं, शाम को आप फ्रूट्स खा सकते हैं, दो टाइम हमें, एक्चुअली मैं तो न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया, जो वीगन न्यूट्रिशन का कोर्स था वो कमाल का था, वो सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने बताया सारे खाना, मेरा पहले से ही सही था लेकिन उनके थ्रू काफी सारा नॉलेज आया और अच्छा हो गया, मैं गॉड का थैंक यू बोलता हूँ गॉड को, उनकी वजह से भी मेरा लाइफ चेंज हो गया। और उसका टारगेट था कि आप नेचर से करीब रहो, नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग चलो, ना कि नेचर के विरुद्ध चलो, नेचर के विरुद्ध चलोगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे कि एक नदी में पानी आती है तो इधर से पानी आ रहा है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसी के साथ जाओ तो आपको मजा आएगा। जिंदगी में नेचर के साथ अगर कनेक्शन आप अच्छा बनाओगे तो आपका लाइफ बेहतर होगा। और वीगन खाना खाने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सिर्फ 15 दिन 15 डेज में आप देखोगे आपका डाइजेशन अच्छा फील, स्टमक अच्छा फील कर रहा है, आपका जैसे बाथरूम जाओगे पॉटी अच्छा मतलब सही होगा, आपको परेशानी नहीं। अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, अग्रीड अग्रीड। और सर अच्छी बात है, मतलब कमाल की बात है कि ये किसी से बात नहीं करता है लोग किसी से बात नहीं करते हैं। डायबिटीज को फादर ऑफ डिजीज बोला जाता है, और कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज बोला जाता है। सोचो इतना खतरनाक है। नहीं सर, एकदम खतरनाक डिजीज है। मेरा जो डाइट है, मेरा जो खाना है सिंपल है, आप इस मेरी स्टोरी पे देखते होंगे, सिंपल खाना है और मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता, मजा आता है हर एक। पहले के खाने में और अभी के खाने में डिफरेंस देखो क्या है। पहले हम क्या करते थे, दूध दही खा लेते थे और रहता था हर एक दिन दूध दही खाना है, हर एक दिन मुझे मतलब मीट हर एक दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन दो दिन लोग खाता ही है, ऐसे करता है। right. तो आपने देखा मीट और दूध दही इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, अरे जिंदगी के तो मजा ले ही नहीं पाया आपने। मैंने कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था जितना अच्छा अब खा रहा हूँ। हर एक दिन नारियल पानी पीता हूँ, हर एक दिन नट्स खाता हूँ, हर एक दिन मूंगफली खाता हूँ, हर एक दिन चने खाता हूँ, हर एक दिन स्प्राउट्स खाता हूँ, हर एक दिन जो मैं डिश बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, वो अमेजिंग होता है। मतलब वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस हो गया एक बार आपने वीगन खाना शुरू किया तो। हाँ, अल्टीमेट मतलब टू मच हो गया। आपने तो ये जिंदगी के मजे, जैसे एक कुआं में आप हो और कुआं में सोचते हो कि नहीं होता, मेढक का कहानी है ना कि समुद्र का मेढक कुआं में आ गया और पूछा कि अच्छा तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है, इतना बड़ा, एक बार उछल के देखता है तो बोलता है कि इसको समझाना मुश्किल है। तो कहने का मतलब जब उससे बाहर निकलोगे ना तो देखोगे, ओह माय गॉड, ये तो दुनिया मैंने देखा ही नहीं था, ये तो कमाल का दुनिया है। राइट, इट्स ब्यूटीफुल। आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, परफॉर्मेंस और भी ज्यादा दौड़ेगा क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन कम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम जब होता है तो परेशान करता है। और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फंक्शन करेगा प्रॉपर सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे सब बोलते हैं कि मीट खाना बंद किया या अंडा खाना बंद किया तो अभी मुझे वीगन में कैसे मुझे मेरा प्रोटीन मिलेगा,
तो अगर आप ये क्वेश्चन में दो तीन मिनट अगर आप बता दो तो यू नो लोगों को थोड़ा एक कंफ्यूजन दूर हो। राइट, देखो प्रोटीन 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 इतना ज्यादा आपको बताया गया है ना कि आप मतलब हमें बेवकूफ बना दिया गया है, इतना ज्यादा प्रोटीन का एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। प्रोटीन आपको हर एक चीज से मिलता है, कम किसी से ज्यादा। जैसे कि मूंगफली खाने से, नट्स से आपको बहुत प्रोटीन मिलता है। राइट, नट्स में आप देखो तो कोकोनट है, सिंपल हर एक जगह अवेलेबल है। राइट, और नेचर के फॉर्म में है, क्योंकि मेरे न्यूट्रिशन कोर्स में बताया गया है कि जो नेचर से डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है ना, वो सबसे बेस्ट खाना होता है, फर्स्ट क्लास खाना होता है। तो कोकोनट हुआ, पीनट हुआ, नट्स जैसे आप आमंड देखो, आमंड है, कैश्यू नट है, और सीड्स है, आप स्प्राउट्स ले लो, हर एक दिन डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्प्राउट्स आप बनाओ, वो खाओ, इससे आपको इतना प्रोटीन मिल जाता है कि जितना आपको जरूरत होता है। और सर तो और एक मेरे लिए और एक मेरे पास क्वेश्चन था कि आप कोई आपके मतलब कोई एडवाइस जो नए जैसे एस्पायरिंग एथलीट्स है, एस्पायरिंग फिटनेस वाले है, या ऐसे लोग है जो लोग वीगन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस के क्या चीज वो लोग ध्यान में रख सकते हैं, या कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, या उनको मतलब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको, ताकि यू नो वो लोग थोड़े, क्योंकि काफी लोगों यू नो को हमेशा वो थोड़ा हेजिटेशन होता है कि मैं करूं नहीं करूं, और वो करते हैं इनिशियली थोड़े में भी, जैसे आपने बोला कि 15 दिन में ही तुम लाइक तुमने डे वन को वीगन शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि तुमने जो 20 साल से किया है वो तुम्हारा सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे एक पेशेंस रखना वो तो उनके लिए एक अच्छी एडवाइस हो गई, बट और कोई मतलब स्पेसिफिक आप एडवाइस दे सकते हो उनके लिए, मतलब क्या ध्यान में रख सकते हैं वो लोग? देखो देखिए, सभी लोग जितने भी लोग हैं एथलीट है या जो भी है, सभी लोग ये जानते हैं कि फूड, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज और गुड स्लीप, ये तीनों को अगर अच्छा आप मेंटेन करते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। राइट, फोर्थ पॉइंट है ये हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग नेसेसरी है, और नेचर के साथ मतलब कनेक्शन, नेचर के में जाओ, सनलाइट लगना चाहिए, ट्रैक जाओ, या नेचर के साथ कनेक्शन अच्छा हो, ये पांच चीज पे ध्यान देना जरूरी है। तो फूड, अच्छा फूड किसको बोला जाता है, मुझे बताया गया है एक लाइन में कि होलसम फूड नेचर के थ्रू जो मिल रहा है ना, वो फूड सबसे बेस्ट फूड है, और नेचर के थ्रू जो मिल रहा है। गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, होता है। ये कॉमन सेंस होता है, लेकिन एक हैबिट आ गया है, एक हैबिट आ गया, समझो इस चीज को। और मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी लाइफ जी चुका हूं, आप खाने में फ्रूट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट साइड कर दो, कोई भी चीज साइड करोगे ना आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो गाइडेंस आपको, अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो उसका आंसर ले लो, जो वीगन ऑलरेडी है उनसे पूछोगे आपको बता दिया जाएगा, बता दे, और ऐसा मत सोचो कि एक बार बोलेगा और सारा कुछ सही हो जाएगा, नो। राइट, धीरे धीरे सही होगा, पेशेंस रखो। राइट, बस अगर पेशेंस रखेगा तो फिर उनको सब कुछ मिल जाएगा। इट मीन्स खाने में होलसम देखो, पैकेट फूड से दूर रहो, ज्यादातर पैकेट फूड जो होता है ना, एक एक महीने, दो दो महीने, एक एक साल रखा रहता है, वो आप खा करके सोचते हो मैं सुपर मैन बन जाऊंगा, नो। नेचर जो आपको दे रहा है डायरेक्ट फॉर्म में, वो ज्यादातर लो सिंपल वे में। अब देखो ये कितना सिंपल फॉर्मूला है कि अगर नेचर के थ्रू जो भी मिल रहा है वो अगर खाओगे, आपको सबसे ज्यादा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो नेचर के थ्रू जो मिल रहा है वो खाओ, नेचर से कनेक्टेड रहो, नेचर में एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छा सो एवरी दिन, और एक एक होलसम लाइफ जीना है। सिर्फ एक ही चीज नहीं कि मैंने अच्छा खाना खाया पर बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, या मैंने पागल की तरह एक्सरसाइज किया पर बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो हर चीज पे जितना ध्यान हो सके ध्यान दो, कनेक्टेड रहो नेचर से, एंड वो एक अच्छी लाइफ के का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आप अच्छा जीना चाहते हो लाइफ में, मतलब अच्छा करना चाहते हो अपने लिए, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी कुछ अच्छा करोगे, और हेल्थ अच्छा करने के लिए गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप, पॉजिटिव थिंकिंग और नेचर से कनेक्शन, ये पांच चीज मेंटेन करो, बैलेंस करो पांचों चीज को, बहुत मजे करोगे। अगर आपने अच्छा, आप खाना अच्छा खाए, एक्सरसाइज अच्छा किए और सोए नहीं, रात में 1 बजे तक आप मतलब सोशल मीडिया पर रहते हो और 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके काम करते हो, तो आप गए। बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है।
राइट तो सर सर वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक इस पॉइंट के साथ हम डिस्कशन को काइंड ऑफ एंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है सर ने एक बहुत ही सुपर पॉइंट बोला कि अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना आई थिंक दुनिया का सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या दुनिया का सबसे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है. जो यही मैसेज है कि वीगन एक पहला स्टेप है आपके लाइफ को right. अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो वीगन फॉलो करो, वीगन डाइट फॉलो करो, नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ. और वीगन जो है वो नेचर के साथ कनेक्शन ही है. सो वीगन डाइट फॉलो कीजिए और आप जिंदगी के मजे लीजिए. अगर जिंदगी में आपको मजे लेना है, खुश रहना है, हेल्थ हेल्थ अच्छा रहे आपका, ये चाहते हो तो वीगन बनो. यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है. अदरवाइज हार्ट अटैक ये अटैक वो अटैक आप जानते ही हो कि 60 ईयर में हम लोग फिनिश हो रहे हैं. जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, ये है, वो है, सब कुछ है, वो 60 ईयर में फिनिश हो जाते हैं. क्यों? हार्ट अटैक हो गया. क्यों? क्योंकि इस पे पांच चीज जो मैंने आपको बताया इस पे बैलेंस करते नहीं, नहीं, नहीं खाने पे कुछ भी डाल रहे हैं. अगर आप वीगन खाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, जब जब तक जिएंगे तब तक रोग मुक्त जिएंगे. तो विद दिस मैसेज के जैसे सर ने बोला कि वीगन बनो और खुश रहो, आई थिंक विद दिस मैसेज हम ये डिस्कशन को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए एंड शेयरिंग योर जर्नी एंड शेयरिंग योर स्टोरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो टुडे आई हैव विद मी सुदीप्ता मंडल. She is a fitness coach, fitness trainer. She is a nutritionist. She is an athlete in wide variety of disciplines, everything from gymnastics to calisthenics to, I would even call bodybuilding to everything. It's like she is into so many facets of fitness. And above all, she has been a vegan, and she has been a vegan for the last couple of years. And she has not had any problems maintaining, building endurance, maintaining, building muscle, eating healthy foods. She has not had a problems at all. So we'll chat more with her to understand more about her journey. Sudipta, can you just let us know how you got into fitness? Were you always into fitness, or how you got into fitness, and what has your journey been like? So actually I started, I did a lot of things. I studied a lot of things. I studied journalism. I was journalist at point of time. And that time when I was working with an NGO and I went to a landfill in Delhi in Okhla. And when I saw that landfill, I saw that at least 99% of the waste is your meat, dairy products like the polythenes, and lots of, you know, skin like leather and all. So that time in 2008, it struck me hard. But of course, I was like, okay, I don't know what to do. So it's okay. Let me continue with my lifestyle as it is. And I was then I came to performing arts. So I was with Shamak Dhawar team and I was a performing artist on stage. And our routine would be like, you know, 10 to 11 a.m. like in p.m. in the night, it used to start, and rehearsals would go till 4 a.m. and I used to come back home and, you know, whatever I had in my suppose chicken nuggets kha liye, you know, whatever was available I used to eat and hog, and still I was fit because I was dancing, so I was burning calories anyway. But it was only till physical. Mentally, I would say I didn't have a good sleep pattern. I had lots and lots of skincare products with me, which I had to use to keep my skin, you know, look good. So externally, I was good. Internally, I had a huge problem of constipation. Huge. Like, and they say that Bengalis hai to constipation to hona hi hai. Aisa hai. Wow. So I didn't know that. And no one even talks about constipation. Okay, you know, yeah, mujhe constipation hai, no, chupa ke rakhte hai. I had a huge problem because I knew something was, and my brother already had piles ka operation in his, you know, early age. So I was like, mere ko to aana hi hai constipation, ye family mein hi hai. So aisa tha, and my, you know, this happened, and in 2015 I shifted to Bombay. But even when you were into fitness, sorry to interrupt, but even when you were into fitness, fir bhi constipation tha. I was doing yoga, I was doing aerial, I was doing performing art. I used to dance 9 hours a day, rehearsals, and also my cuts and all was there. Okay, but of course my belly was not at all in shape, and my skin was very like lethargic, and it was not so soft. I had to use a moisturizer to look good on stage. Okay. And I used to
I had to put kajal to, you know, hide my dark circles. I had to put lot of spa on my in my hair to keep it glowing. And also I had to actually invest so much money into my external outlook and appearance. So I knew that this is not gonna be lifetime, right? There gonna be a time where I will hit the, you know, iceberg and I will be like, oh God, I'm not so healthy. So I was coming in terms with myself and I started with my fitness journey, like certification, studying, nutrition. And, you know, that is when I started my fitness journey in 2015. So I started with Zumba Fitness. I started studying with AFA. So they are all American Association, you know, institution where I can study online. So I gave exam, I did my CPR, everything. And when I was studying nutrition, they put a lot of, you know, emphasis on protein per se, carbs and, you know, calorie deficient diet and whey protein. And so, and I was a non-vegetarian, so I have had cockroaches in my life, I have had lobsters, I have eaten everything, I've tried out everything, but this constipation was completely like there with me like a life partner. Even after the new nutrition studies and after Zumba and everything, it was still there. Yeah, it was still there. While doing Zumba, it was so good, but I lost a lot of muscle because this was too much of cardio. And there was no strength. I could not do a push-up. I could not do a single push-up then. And I started questioning my own fitness skills that, okay, I'm a teacher, but how much skillful I am as a performer, as an athlete. If I want to compete on international level, I can see them doing muscle up and pull up and all. How can I reach there? So I used to start having like, you know, 5 to 6 eggs in a day, banana milk together and, you know, so a lot of such things to build muscle. Then I never took protein powder in my life because somehow it didn't convince me. You know, I was like, जो भी है डब्बा है डब्बा के अंदर बंद है तो आई विल नॉट टेक इट एंड इतने पैसे मैं नहीं दे सकती सो आई विल हैव अंडा आई विल हैव बॉइल्ड चिकन यू नो सो आई स्टार्टेड हैविंग नॉन वेज इन अ वे वेयर इट वाज बॉइल्ड इट वाज नॉट टू लाइक रिच एंड ऑयली एंड स्पाइसी सो आई मेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट स्टिल द कॉन्स्टिपेशन वॉज देयर इट डिडंट गो एट ऑल सो इन 2018 आई मेट गुंजन सर सो यू वुड नो हिम गुंजन शर्मा ऑन फेसबुक एंड आई सॉ हिम डूइंग लाइक magical stuff in the air some like you know how he is right. So and I was like how he is doing you know these kind of performance so then I thought that maybe my training should be like that when I met him so he said that you know what is your dream you know and I said bakasana or say like crow pose you know it's in a yoga it's a right, yoga asana right. So he started laughing on me he said you know the videos which I've seen of you or doing fitness and all you are much more capable of that So tell me what all you practice, how is your lifestyle and all. So I told him that, you know, I eat meat and all and I'm a Bengali, I eat fish for protein, I eat this and that and all. So he told me, just by doing physical fitness, you will not gain health. There is something wrong you're doing with your sleep patterns, with your food combinations and the kind of food you're consuming from like chicken, lamb, you know, eggs and all. So he told me about veganism actually. He introduced it to me. He sent me documentaries like Food, Fork Over Knives, Food Choices and Cowspiracy. When I watched Cowspiracy, I still remember the day I watched Cowspiracy, I turned vegan the next day. I didn't have any thoughts in my head that what options of food I will get, what all. So that is when I got propagated by, you know, like, I was like, what is the hell I'm doing till my 30 years? And I was 30 years age. So I turned vegan when I was 30. So all my 30 years, I've had non-veg. So, and I told, and Gunjan sir sent me this link and I told him that, sir, I can't take this. Like, it's okay. I just want to go animal free, cruelty free. It's okay if my health doesn't get, it's okay if I don't build muscle. So then he said, you will build muscle. And from that very next day, I started training with him. I joined his classes, Kishle sir's classes, group classes, and I saw a different mindset altogether. And it was still not to the health factor that I'll gain muscle or not, but I started training under him and his company. And with the food, he told me, like he introduced that this is how you can eat
you know, instead of having egg, you can have this much of banana, mango, fruits, nuts, seeds, and, you know, a lot of vegetables and all. So, and in my head, I was like, oh, will I go deficient of nutrition, you know, nutrients? Right. Will I, you know, because I was also reading about vegan diet in 2018, and I was like, oh, will I need B12? But he said, you go outdoors, you mix with the soil, you start growing your own herbs, and you also take your food in the right combination. So, and you eat a lot of fruits. So come to the organic market. So I started buying organic as well. And I had to not look back. You won't believe. And I had in my mind that the constipation will stay with me. So I didn't think about ki constipation hatana hai. But in a month's time, suddenly I started, like as soon as I woke up, I started pooping well. Because I used to, yeah, I used to go to the washroom in later half of the day. Pehle, 30 saal tak. I never used to get up. Yeah, that was my habit. ऊपर मतलब उठे कुछ नहीं मतलब क्लियर नहीं हो रहा है मोशन कुछ नहीं हो रहा है ये 30 years था एंड विद इन अ मंथ लाइक आई वाज आई कुड नॉट बिलीव सो आई टोल्ड गुंजन सर कि सर ये क्या हो रहा है आई एम गेटिंग फ्रेश लाइक यू नो सुबह उठ गई आई स्टार्टेड स्लीपिंग अर्ली आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली दैट इज द फर्स्ट चेंज विच आई डिड सेकेंड वॉज completely transforming my diet to vegan. Like not even a thought ki, oh, mujhe dahi nahi milega. Because by that time, I didn't know how to make peanut curd. Right. I was like, dahi nahi khana hai, koi baat nahi. Kisi ko maar ke mujhe dahi nahi khana hai. Chhod dungi main dahi khana. Right. It was that, like that. And my parents, you know, kind of, they revolted. Lot of people, they were like, are you mad and all. But I was like, nahi, agar mera constipation ek mahine mein ja sakta hai, after 30 years, and it's still there in the family. My brother is not a vegan and he's still constipated. He's still, I think, like, God forbid, but he can get an POILS operation again done because he's so much into meat and muchly. So I knew that even no doctor will tell you, but I know this in my body that my constipation got healed only by veganism. Because you started that basically eating more vegetables, more fruits. So there was way more fiber in your diet suddenly. And way more fiber. And, you know, I could see a change in my sleep pattern. My sleep was undisturbed. Also, when I started doing warm up, I was not breathing fast now. So this is a huge difference. I also saw a very huge difference in my breath pattern after I turned vegan. Can you, like, elaborate more on that? So I'll tell you. So where I used to breathe too shallow initially when I used to do cardio. Okay. So now what happened is when I started having my fruits, you know, early first thing in the morning when I started having fruits, and then when I go for workout, my body is already energized. So I don't, and whenever I'm doing cardio, there is a lot of, like, you know, electrolytes you lose while you're doing cardio. You lose a lot of electrolytes when you work out. But because my body is aided by proper nutritious meal, which is, you know, fruits are meal in itself, you know, coconut water, kela, smoothie. I started having smoothies without the milk, you know, and then I started having a lot of nuts like the peanut and its raw form because I didn't know how to make curd and all. So I could see a big, big difference in my breath. So when I was started, when I started running, I could run, like, initially before I turned vegan, I could run, say, 1 kilometer in 20 minutes, 20, 30 minutes, half an hour, 1 kilometer. Even if I try harder, still that was my time span. But after turning vegan, I could see a bear, like, it went, like, you know, like this, the graph went this in 1 month. I'm not telling you in 1 year. Right. In 1 month, I could see, I could run so much, so well. And in 1 month, I could see my constipation, like, vanished. In 1 month, I could see I could breathe well. Because when you are not having meat, it's a lot, it is a very spiritual journey as well. When you're not going under that feeling of having something by killing it, your mind is calm, it's composed, you know, you're focused. So I would not just say that it has helped me in my physical health. I would really say that it has helped me in my calmness also, because I know that I'm not. Also, the second thing which I was working for since many years was trying to lead a minimal and zero waste life. So in order to go zero waste, also I had to cut down on meat. That was also one big reason, you know, big factor of turning vegan. Because when you turn vegan, and a lot of fruits, and also I started using peels for my herbs, for my compost. But you can't do it. A lot of people will say eggshells and all. But you see the difference. If you put eggshells and if you put fruit peels, you can see the quality difference in the leaves, the color of the leaves. I wanted to ask you about two points to follow up on what you said. One is,
going from a hardcore meat eating kind of a background to completely on the other side, where you are only depending on vegetables, fruits, and something that is more coming directly from the nature, something that is cleaner. Two things. First, you said that you had issues with your skin and what happened to those issues, number one. But more importantly, what about your athletic performance? What about your fitness performance? What was the impact on that? I understand constipation, you know, theek ho gaya. And that will definitely help with your athletic performance, because digestion system achha chal raha hai, toh sab, you know, behtar chale gai. But like, what about your protein needs, especially around building muscle? So if you can touch upon these two points. I'll tell you that, all the essential amino acids, which actually you say protein, it's amino acids which get absorbed by your joints and your muscles. So when you're not vegan, when you're eating meat, thinking that it's a protein, of course there is protein in it, but it depends on how much your body is capable of absorbing it. When you are on a vegan diet, your absorption of protein is more. Your absorption by your joints of protein is more. And when I had like nariyal pani, I started having kela, and the banana has most of its carbs, good carbs and protein in it. We don't think it, you know, we never see banana as ki oh kela se protein milega. We never think it like that. But when I started having peanuts, bananas, coconut water, vegetables, lot of leafy vegetables, I could see a difference in my muscle mass. So my weight is the same. So see, when I was not vegan, I was still 45 because I was burning calories. Right now also I'm 45. But if you see the picture, you see the structure of me, it's completely changed, 360 degree. So if you think that you're going to, go protein deficient after turning vegan, it's completely incorrect, 100%. There is no chance you can go deficient if you are having a lots and lots of nuts, you know, nut milks, and if you're having a lot of fruits in the morning, you're having veggies. So the normal Indian food, jo ghar ka khana hota hai, well-balanced diet, a good well-balanced diet. Yeah. So if you're having too much of bread, of course your consumption, your absorption of the protein will not be so high. But if you're having bread, you're putting a salad in between, say tomato dal diya, cucumber dal diya, you know, leaves, lettuce dal diya, and then you're having that bread. Your absorption of protein, not just protein, but all other nutrients will become better. Then you will not go deficient. And it's also a better meal, right? Vegetables ko grains ke saath mix kiya aur acha proper balanced meal karke khaya. Digestion easy ho jata hai. So agar aapko roti khana hai, usme aap beetroot ka juice dal do, to wo roti aapko jaldi hazam ho jayega. You know, you will, the digestion, see, it all ends up to gut health, your digestion time. So if you're digesting your food which you're eating well, then there is no deficiency. But of course, like a lot of people, and if you talk about bodybuilding, you're lifting weights. I lift weights not just by that machine and all, but I lift my own ration ka bag. I can lift Gunjan sir, if you've seen that video where I'm lifting him literally. So I can lift a 80 kg man. I can lift you also. Like, you know, I will never feel fatigued or weak in that, because the power is in the muscle and not the fat. So my fat started getting converted into muscle. So if you see my arm, it's a very lean arm. It's not Hulk. But when I do any movement, then you will see my cuts. So this is how the protein gets converted, you know, in your body. The absorption matters more. The digestion matters more. So if that's how what I said, that if you're having a bread with the veggies and all, then what people do is they turn vegan and then they start having junk, a lot of junk. That's why there is deficiency. But you could eat junk food in any world and you could still be unhealthy. So, and then course. You can't, you know, say that, you know, vegan diet kharab hai. Tum khana hi kharab kha rahe ho aur phir tum vegan diet ko bol rahe ho, you know. Agar tum potato chips kha rahe ho, to tumko mota hona hi hai. Lekin tum ghar pe bana ke, agar potato ko ghar pe bana ke chips kha rahe ho, you will not get. Agar aap ghar ka oil kha rahe ho, koi problem nahi hai. But if you go out and have too much of junk, even vegan junk, you will fall ill. You will be prone more to, you know, deficiency. Right. But if you work out, also Kuntal, I would like to state here that my kind of training also helped me with veganism, along with veganism. So pehle main cardio bahut karti thi and flexibility. Strength pe bilkul dhyan nahi tha. Okay. So when I continued with my strength training under Gunjan sir, my muscles built up. And this is abhi to aur achha hona hai actually. Right. You know, unke body ka fat percentage is 4, like, you know, hardly hai. Mera abhi bhi it's building.
तो मेरा आर्म्स मेरा लेग्स एकदम एथलीट हो गया है. सो आई एम वर्किंग ऑन माय लोअर एब्डोमेन. Right. Which will become, so people become impatient in, so when they turn veganism. But what happened with my student is, she was a meat eater, you know, and she had thyroid. ठीक है, बहुत problem था thyroid का. When I turned her into vegan, slowly, one step at a time, पहले meat हटाया, फिर dairy हटाया, फिर junk हटाया. ऐसा किया. शुरू में she started puking, her hair fall happened, you know, she पूरा उसका ऐसे rashes निकला, pimples निकला. 2 महीने she was not actually you know well, but her training went on. I trained her very like restorative yoga करा दिया, कभी कभी just dance करा दिया, move करा दिया, फिर थोड़ा थोड़ा strength build करा रही थी उसका. After 2 months her skin cleared. So I told her that you know Parinita, you know, after when you turn vegan, there are chances that your body will throw out the toxins which are stored since so many ages. So cleaning or detox itself is a process like an illness. So you should not fear that. You should not fear illness. So she started getting fever, you know, so and she started puking when she was working out. Aisa ho raha tha uske saath. I just told her, be with me, stay put. Don't worry, your thyroid will, and her now it's zero, like her thyroid is zero. See, she reversed thyroid 4 months. It took me 4 months to reverse her thyroid. Wow. क्योंकि इट कैन बी दैट तुम वेजिटेबल खा रहे हो और तुम फ्रूट खा रहे हो उसके वजह से तुम्हें प्यूकिंग होगा. ऐसा तो आज तक मैंने कभी पूरे दुनिया में नहीं सुना. सो इट्स ऑफ कोर्स इट्स जस्ट दैट हर बॉडी वाज स्टिल एडजस्टिंग फेज में था. एक्चुअली वो क्लीन हो रहा था अंदर से, इतना म्यूकस एंड टॉक्सिन स्टोर्ड है ना. सो अगर आप वीगन बन रहे हो नॉनवेज खाने से, हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग पिंपल्स निकल आएंगे, रैशेस निकल आएंगे, हेयर फॉल होगा. जस्ट स्टे पेशेंट. That time you need to rest more, you need to sleep more, take natural methods ki, you know, thoda cold cough bhi hota hai logo ko jab wo vegan mein turn hota hai. Mujhe nahi hua, but mere students ko hua ye sara. Right. Because they have not, you know, their physical strength was not, physical activities were not up to that mark. Mera kya tha ki physical activity hamesha se tha. I was always a fit towards a fitter side. So isliye mera bahut zyada nahi, lekin abhi bhi I can see a lot of things after turning vegan ki abhi bhi kuch kuch cheeze aise toxicity nikalti hai dheere dheere, you know. Like that. So right now I'm in 9 days of fasting. अभी मैं fast पे हूँ नवरात्र. And this is the first time I'm doing my नवरात्र. And when you say fasting, what do you mean? Like eating nothing, drinking nothing? I mean, what can you? Not eating nothing. I am on raw diet basically, raw okay. vegan completely. Okay. So I'm just having fruits, nuts, seeds. That's it. Not okay. even like nothing cooked basically right okay. now. Okay. But it is completely vegan and it is completely supporting me. I am working out. I'm doing everything as I used to do. Right. So this is an experiment for me also, you know. So right now I am having little bit of yahan ek do pimple nikla. So now I can see that okay, chalo ye bhi cleansing ho raha hai. It's part of cleansing. So when people start taking care of themselves and not thinking of curing any disease through veganism, because it will eventually, it will cure your disease like how you cured my constipation. But their intention to start has to be very basic, very simple, that okay, I don't want animal cruelty. Okay, I want my health to get better. I want to live a lifestyle which is minimal. Come, be vegan, take your time, take one year, take six months, research, study, and then completely transform yourself. You can take like maybe shuru mein meat choda, fir dairy choda. You can take step by step. तो मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको मैंने कम्प्लीटली वीगन कर दिया, एंड 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी भी वो डेरी ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि अरे दूध कैसे, दूध का मिठाई. नाउ आई गिव देम रेसिपीज कि आप कोकोनट मिल्क से ऐसे बर्फी बना सकते हो, यू नो, नट कैश्यू से आप इस तरह का चीज बना सकते हो. सो देन देर लाइक हाँ तब ठीक है, फिर ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव दैट स्टिल दैट मेमोरी इज देयर, यू नो, मुझे दही पता है. एंड लुक, इट हेल्प्स विद द ट्रांजिशन. आई थिंक नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई पर्सनली wrong with that, yeah. So but there, and everything is they are making at home, and they are, you know, even purchasing from good brands, so it's totally fine, you know, it's totally fine. So there are so many options now, and it's gonna only get better. So right, don't fear, don't come from a point, you know, viewpoint that main vegan hogi to main weak ho jaungi. Pehle hi tum soch rahe ho, acha main kya karungi to weak nahi hogi. Pehle tum socho ki pehle ek baar try to karo, ho rahe ho. ट्राई तो करो 2-3 महीने एंड ट्राई करो, गाइडेंस लो. एंड आई हैव सीन पीपल ब्यूटिफुली, यू नो, गेट ऑल्सो दिस आई हैव टू मेंशन कुंतल, दैट आई हैड अ फ्रैक्चर आफ्टर आई टर्न वीगन. आई हैड अ फ्रैक्चर एंड माई ऑर्थो, माई पेरेंट्स, एवरीबडी कन्विंस्ड मी टू हैव पाया सूप, की पाया सूप पियो. व्हाट इज पाया सूप?
पाया सूप इज वो गोट का जो लंगड़ी है, टंगड़ी है, उसका उसका रस पीने से कैल्शियम मिलता है. ओके, सो देन व्हाट आई डिड, बट गुंजन सर रियली टोल्ड मी दैट कुछ जरूरत नहीं है ऐसा, यू जस्ट, सो मैंने वही खाया जो वीगन डाइट मेरा था वही खाया. एंड आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉर माई एंकल्स. मेरे को लिगामेंट टेयर भी था, सो इट वॉज इम्पॉसिबल. एंड माई ऑर्थो ऑल्सो टोल्ड मी कि इट्स इम्पॉसिबल दैट यू डोंट लूज मसल व्हेन यू हैव प्लास्टर इन योर लेग. बट व्हेन ही ओपन माई प्लास्टर, माई मसल वॉज एज इट इज. मेरे को मसल लॉस हुआ ही नहीं, मेरे को मसल लॉस हुआ ही नहीं बिकॉज मैं वीगन डाइट पे थी. तो मैं 90% बोलूंगी कि मेरे वीगन डाइट के वजह से मेरा फ्रैक्चर इतना जल्दी रिकवर हुआ, एंड 10% बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग आई वाज डूइंग विद गुंजन सर. वाओ, सो जस्ट टू पावर यू टू हैव बिलीफ इन इट. सुपर. सो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ समराइज योर पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वीगन बनना है तो स्टेप बाय स्टेप, डोंट लाइक बीट योर सेल्फ कि अगर तुमने यू नो बीच में कुछ ये खा लिया वो खा लिया. सिर्फ माइंड में रखोगे ओवरऑल गोल वीगन बनना है, स्टेप बाय स्टेप करो, पेशेंस रखो. ऐसा ही नहीं है कि तुमको आज वीगन बने और कल ही तुमको सब यू नो तुम सुपरमैन बन जाओगे. थोड़ा यू नो टाइम दो अपने बॉडी को, 30 साल से जो बॉडी पे किया है उसको थोड़ा रिवर्स होने में टाइम लगेगा. तो गिव योर सेल्फ दैट टाइम. And you will be eating clean, you will be eating healthy, and things like constipation and even your skin and everything that may even, that would, you know, it would help with that. So yes. Though I think those are amazing points, and I think the biggest point is that nutritionally the diet is not deficient in any way. Actually, on the contrary, it's one of the best diets to follow, and that you will not have any problems being an athlete, maintaining muscle, building muscle, maintaining endurance, with this, Sudipta, I just want to sort of get one final message from your side for the audience, related to anything, related to fitness, related to veganism, related to your thoughts. Agar koi naye vegan hai, aspiring athletes hai, ya anyone, for everyone in the audience, what's one message from your side? One message I would say is, it's a very like people will feel that I'm giving a lecture, but for change you have to change. If you really want to see change within you, with your health, with your profession, with your career, you have to make changes which is in sync with nature. You know, bahut log mujhe bolte, mere mummy papa bhi mujhe bolte the ki marna to sabko ek din hai, and you know this is a food cycle and blah blah blah, jo bhi humne science book mein padha hai. So I told them that karke dekho, समझो चीजों को, एंड समझो कि हाउ इट्स रिलेटेड टू द इकोसिस्टम. सो व्हेन यू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर ना, यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, एंड नेचर विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू इफ यू टेक केयर ऑफ द नेचर. अदरवाइज कहीं ना कहीं से, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से यू विल हैव टू फेस द रिपरकशन. So to change, you have to change. That is my one mantra, you know, I always follow. Super. So इसमें से मुझे दो पॉइंट्स मिले, इसके ओपन माइंडेड रहना है. And biggest thing, ek baar try karo. To everyone who's listening in, if you have any doubts around veganism, just try once. And there are so many athletes in India today itself who are vegan. Sudipta, Gunjan sir, and so many other amazing athletes. Please reach out to them for guidance around nutrition, around training. They are always happy to help. They always respond to messages on Instagram and all their social media. So please reach out to them. And thank you so much, Sudipta, for sharing your journey. And especially, it was really good to hear about your constipation and you know, coming from a Bengali background, completely giving up meat and then building onto your fitness and improving your fitness. So that's amazing to hear. I hope people who are listening and get inspired by this and may make a change in their life, as you rightly pointed out in the end, that we have to make a change. Thank you so much, Sudipta. Thank you, Kuntal, for having me. I would be obviously available for anyone who wants to turn vegan, and for any, you know, good intention for maybe health or for the environment or for skin care, whatever their reason can be, and they can go step by step. I'm there to help everyone. And veganism is not just way for, you know, your skin or hair, any particular thing. It is the way of life. It is the way for sustainability as well. Super. Thank you so much, Sudipta. Yeah.